अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि घर में कोई 5-7 लोग होते हैं, ठीक है, एक फैमिली में, तो अगर किसी मेंबर को फालिज हुआ है तो उनको कैसे पता चलेगा? आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता चल सकता है किसको फालिज हुआ है, यानी घर में एट द स्पॉट कैसे वो अंदाज़ा लगाएं, तो उसकी क्या अलामत होती हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोगों को, इवन डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलता समटाइम्स कि उनके घर में या रिलेटिव्स को फालिज का हमला हुआ है। इसमें आपने चंद बातें याद रखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा नॉर्मली बोल रहा है, बैठे बैठे उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, ठीक है, या वो ठीक बोल रहा था, उसे बोलने में मसला आ रहा है, या बोलना बंद हो गया है, या फिर उसका बाजू या टांग किसी भी हद उसमें कोई कमज़ोरी आ गई है, या बिल्कुल डेड हो गया, काम नहीं कर रहा, पेशेंट अब चला नहीं जा रहा, तो आप ज़रूर सोचें कि पेशेंट को फालिज का हमला हुआ है। अगर पेशेंट खड़ा है तो वो खड़े खड़े गिर भी सकता है। बिल्कुल गिर सकता है। या पेशेंट अगर बिल्कुल ठीक सोया और सुबह उठ के उसे चला नहीं जा रहा, तो ये यकीनन फालिज का अटैक है, तो आपको ये सोचना चाहिए। ठीक है। एक और चीज़ होती है, हमारी आंखों पे भी फालिज पड़ता है। अच्छा। इन केस अगर एक मरीज है जो कह रहा है कि मुझे यार इस आंख से धुंधला नजर आ रहा है या बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तो आपको फालिज का जरूर सोचना चाहिए।